नमस्कार, मैं निशांत शर्मा उपार्जित ज्ञान में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा ऐसे पांच चैट मैसेंजर जहां पर चैट करने के लिए आपको अपना मोबाइल नंबर शेयर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास लेटेस्ट अपडेट्स जरूर आते रहें। पहले नंबर पर है फेसबुक मैसेंजर। इसके लिए आपको फेसबुक में अपना आईडी क्रिएट करना होगा और उसके बाद आपको मैसेंजर डाउनलोड करना होगा, देन इंस्टॉल करना होगा अपने मोबाइल में या डेस्कटॉप पे। देन आप जो सेम आईडी जो आपने फेसबुक में जो आईडी बनाया उसी आईडी से आप लॉग इन कीजिए और आप यहाँ पे चैट कीजिए। इन केस अगर आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं भेजनी है किसी को, बट जस्ट चैट करनी है, तो आप इस मैसेंजर पे चैट कर सकते हैं। यहाँ आपको अपना मोबाइल नंबर शेयर नहीं करना होगा। दूसरा है गूगल हैंगआउट। ये गूगल कंपनी ने बनाया है। ये पहले जी टॉक के नाम से जाना जाता था, अब ये हैंगआउट के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे आपको गूगल आईडी अपना जो जीमेल आईडी होता है वो शेयर करना होता है दूसरे व्यक्ति के साथ में, अगर आपको चैट करनी है। नॉर्मली जिनके पास भी एंड्रॉइड फोन है उनके पास तो जीमेल आईडी होता ही है, तो आप इस ऐप को भी यूज कर सकते हैं। इसका डेस्कटॉप वर्जन, वेब वर्जन एज वेल एज मोबाइल वर्जन अवेलेबल है। तीसरा चैट मैसेंजर है स्काइप। ये सबसे पुराना चैट मैसेंजर है मेरी लिस्ट में। वैसे तो सबसे पुराना चैट मैसेंजर याहू मैसेंजर था, लेकिन वो अभी है ही नहीं तो उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे। तो स्काइप माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है और यहाँ पे आप दो तरीके से लॉगिन कर सकते हैं, एक तो अपने मोबाइल नंबर के थ्रू और या फिर अपने ईमेल आईडी के थ्रू। अगर आपको अपना मोबाइल नंबर यूज नहीं करना तो आप एक स्काइप आईडी बना लीजिए और स्काइप आईडी आप अपने दोस्तों को दे सकते हैं और चैट कर सकते हैं। चौथा है टेलीग्राम। टेलीग्राम में लॉगिन करने के लिए मोबाइल नंबर मस्ट है, लेकिन यहाँ पे आप अपना एक टेलीग्राम आईडी बना सकते हैं। आपको जिससे भी चैट करनी है उसको आप अपना टेलीग्राम आईडी दीजिए और विदाउट शेयरिंग कॉन्टेक्ट नंबर यू कैन चैट। पांचवा है जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, वो है विकर्मी। विकर्मी पे आपको मोबाइल नंबर से लॉगिन करना ही नहीं होता, यहाँ पे आपको अपने आईडी से लॉगिन करना होता है। तो जो आपका विकर आईडी है वो आप शेयर कर सकते हैं अदर कॉन्टेक्ट के साथ में और आप आईडी टू आईडी विकर्मी पर चैट कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको अपना मोबाइल नंबर शेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जितने भी मैंने मैसेंजर बताए इनका मोबाइल वर्जन और डेस्कटॉप वर्जन अवेलेबल है। कुछ का वेब वर्जन उतना अच्छा नहीं है, लेकिन आप डेस्कटॉप पे ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और मोबाइल पे तो कर ही सकते हैं। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट हो आता है या कोई क्वेश्चन है तब भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं जरूर उस पर रिप्लाई करूंगा। आज मैं अपने वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। धन्यवाद। नमस्कार।